नहीं भैया, साइन अप करते ही आपको 11 रुपये मिल जाएंगे, और जब आप अपना फोन नंबर बाउंड कर लोगे तो आपको 30 रुपये और मिल जाएंगे। दह पैसा, साथ में रेफर इनकम भी है। आप अपने चाचा ताऊ के बच्चों को यदि रेफर कर देते हो तो भी मिल रहा है। जैसे कि 5 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, 20 को कर दोगे तो 500 रुपये तक भी मिल रहे हैं। तो इस तरह 5-10 रुपये भी आपको मिल रहे हैं। अभी इतना ही नहीं, साथ में जो दोस्त चाचा के ताऊ के बच्चे जो भी खेलेंगे उसका 30% आपको टैक्स अमाउंट भी मिलेगा। मतलब उनके खेलने के बाद भी आपको उनके में से मिलता रहेगा। दोस्तों, नॉर्मली आपको इसमें कुछ गेम दिख रहे होंगे, लेकिन कुछ छुपम छुपाई खेल रहे हैं। जो अच्छे गेम हैं, ज़्यादा अर्निंग वाले गेम हैं, उन्हें कैसे ढूंढेंगे? कुछ नहीं, बस आपको इसमें एक रिचार्ज करना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से रिचार्ज कर दो तो वो गेम जो छुप रहे हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ये रिचार्ज कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा प्रिय गेम ड्रैगन वर्सेस टाइगर ये आ गया है। तो चलो इसे खेल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आप, एक तो ब्लू टीम है और एक टाइगर यानी ऑरेंज। या तो टाइगर आएगा या तो ड्रैगन आएगा, ठीक है। मैंने 10 रुपये यहाँ पे ड्रैगन पर लगा दिए थे, ऑब्वियसली वो जीत गया। अब ऐसा नहीं था कि मुझे पता ही था कि ड्रैगन ही जीतेगा, लेकिन ये एक प्रिडिक्शन है। ड्रैगन पर मैंने पैसे लगाए, मैं जीत गया। अगर मैं टाइगर पर लगाता तो, अगर जीत जाता तो अच्छी बात, हार जाता तो मैं एक अलग मेथड से खेलता। अभी क्या करना है मेरे को गाइस, अब देखो जैसे मैंने दोबारा 10 रुपये मैंने ड्रैगन पर लगा दिए हैं, या तो ड्रैगन आएगा या तो टाइगर आएगा। आप ऊपर भी देख सकते हैं रो में ड्रैगन 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 टाइगर ऐसे आ रहा है ना। अभी मैंने 10 रुपये लगाए ड्रैगन पर, और यहाँ पर देखिए मैं हार गया, क्योंकि 8 बड़ा नंबर 6 से तो टाइगर जीत गया। ठीक, अगर मैं 10 रुपये हार जाता हूँ, अब क्या करना है, कैसे उन 10 रुपये को रिकवर करना है? तो यहाँ पर जो बेट अमाउंट है वो हम बढ़ाकर 30 कर देंगे, क्योंकि 10 रुपये जो हारे हैं उस वो तो आएंगे ही आएंगे वापस, अगर हम जीतते हैं उन 30 रुपये की बैट लगाए हुए को। 30 रुपये नहीं जीतेंगे अगर, जो मतलब ये 30 रुपये भी हार जाते हैं तो फिर हम 70 रुपये लगाएंगे, वो भी हार जाएं तो फिर हम 150। तो ऐसे अमाउंट बढ़ाना है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अभी देखिए गाइस, देखिए मैं यहाँ पर 30 रुपये भी हार गया, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ड्रैगन कभी ना कभी तो एक ना एक बार ज़रूर आएगा, और जैसे ही वो आएगा वही मेरे लिए बढ़िया बात रहेगी, और मैं अपने जो हारा हुआ अमाउंट था वो भी कवर कर लूँगा। देखो 10 रुपये और 30 रुपये मिला के होते हैं 40, तो मैंने यहाँ पर 70 रुपये लगा दिए, क्योंकि अगर मैं जीत गया तो 40 रुपये तो कवर हो जाएंगे, और जो 30 रुपये मैंने एडवांस में लगाए हैं उससे मेरी अर्निंग होगी। वेट करते हैं, 9 आया और ये 5। देखो गाइस मैं जीता, जैसा कि मैंने कहा था कभी ना कभी ड्रैगन ज़रूर आएगा, और आया ऐसे, और यहाँ पर मैं जीत भी गया। ठीक है, आपको ऐसे ही इसी मेथड से खेलना है। देखो मैं आपको पहले 1000 को 26 थे, और मैं आपको लॉबी में आके दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए 1062 हो गए। ठीक है, अब सेकंड गेम जो है गाइस वो है 7 अप डाउन। 7 अप डाउन का क्या मतलब है कि आपको डाइस होता है 1 से मतलब 2 से 6 के बीच में ये नंबर जो आएगा, ठीक है, और 8 से इसके बीच में 12 के बीच में नंबर, या अगर 7 आ गया तो फिर टाई। तो यहाँ पर मैंने जो 10 रुपये लगा दिया है वो है ग्रीन टीम पे लगा दिया, यानी 8 से 12 नंबर के बीच में आएगा, ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो वेट करते हैं। यहाँ पर देखो गाइस आ गया 11, जीत गया मैं। ठीक है, ऐसा थोड़े ना आप डबल अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे तभी जीतेंगे, पहले भी तो जीत सकते हैं। आप जीत गए, यहाँ पर आपने अमाउंट जीता, तो अब मैं दोबारा लगाता हूँ गाइस 10 रुपये, वो भी ग्रीन टीम पर। देखो मैं फिर से समझाता हूँ इसमें क्या है, अगर 2 से 6 के बीच में आया तो रेड टीम जीतेगी, 8 से 12 तो ग्रीन, टाई आ गया तो बीच वाली। तो मैंने 10 रुपये लगा दिए 8 से 12 के प्रेडिक्शन में, बट ये नहीं आया, 4 आया, तो मैं अपने पैसे हार गया 10 रुपये। कोई इशू है ही नहीं, अब मुझे क्या करना है, 10 रुपये की जगह कितने लगाने, जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 रुपये, और यहाँ मैंने 30 रुपये लगा दिए। आप वेट करते हैं 7 सेकेंड और देखते हैं क्या आने वाला है। मेरे ख्याल से तो मैं जीतूंगा ही, क्योंकि जिस फॉर्मेट से अगर मैं खेल रहा हूँ, देखो जैसे अभी 6 आ गया तो रेड टीम जीत गई, मैं हार गया, कोई इशू है ही नहीं। अब मुझे अपना अमाउंट क्या करना है, 70 मैं बढ़ा दूंगा। मैंने यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट बताया था आप उसे बस याद रखिए, ठीक है। अब आपको 70 रुपये लगा देने हैं। सत्तर रुपये लगाने के बाद आपको वेट करना है। अभी 3 आया यहाँ पे, तो मैं फिर से 70 रुपये जो हार गया, अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे अमाउंट लगाना है 150 रुपये, क्योंकि 150 रुपये अगर मैं लगाऊंगा, 70 और 30 होते हैं आपके 100, ठीक है, 100 तो मेरे कवर हो ही जाएंगे, प्लस 50 रुपये का अगर मैं बैठ का लगाता हूँ तो उसके 48 कुछ मिलेंगे मेरे को। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अब हमने यहाँ पे 150 रुपये लगा दिए हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो आएगा ना 8 से 12 के बीच में, तो देखो अब 10 आ गया 8 से 12 के बीच में, तो यहाँ पे मेरे को मिले, यहाँ मैंने 150 लगाए थे तो उसका मुझे 142 मिला कुछ, यानी 100 रुपये जो मैंने लॉस किए थे वो तो मिला ही मिला, 42 रुपये मुझे प्लस पॉइंट मिला और मेरी अर्निंग हुई। तो अब देखो गाइस 1062 थे तो अब देखो 1104 रुपये हो गए, ठीक है। आप ऐसे गेम को खेल सकते हैं इसको और पैसा कमा सकते हैं, वो भी मोटा पैसा। तो और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जीते हुए पैसे को निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। विड्रॉ सेक्शन में आएंगे, विड्रॉ सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लें, बट आप कोई सा भी यहाँ पे बैंक अकाउंट चूज़ कर सकते हैं लिंक करने के लिए, और यहाँ पर आपका जो अमाउंट है मिनिमम वो 100 रुपीज़ से ऊपर होना चाहिए। तो खेल खेल कर मैंने पैसे कमा लिए हैं कुछ, और मैं एक अमाउंट करता हूँ जैसे 1104, यही करूँगा ताकि जब मैसेज में भी 1104 ही आए, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे विड्रॉ के लिए अप्लाई कर देता हूँ अपनी UPI ID से, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइज मेरे पास आ चुके हैं पैसे। तो इतनी ही आसानी से आप भी विड्रॉ कर